नमस्कार दोस्तों, फिल्म स्ट्रीट के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिल्म स्ट्रीट प्रेजेंट करता है ओटीटी पर रिलीज होने वाली धमाकेदार फिल्म और वेब सीरीज के बारे में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोरोना महामारी के बीच पाबंदियों के चलते कई फिल्मों की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। अब ओटीटी पर दर्शकों के लिए ढेर सारी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आ रहा है और खासकर इसका असर बॉलीवुड पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कई फिल्मों की रिलीज डेट टल गई हैं और कुछ फिल्मों की शूटिंग भी रोक देने की खबरें आ रही हैं। थिएटर सूने होंगे तो क्या ओटीटी पर फिल्मों और वेब सीरीज की बहार जारी रहेगी? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है। तो पहले नंबर पे आती है कौन बनेगी शिखरवती। नसीरुद्दीन शाह की यह कॉमेडी ड्रामा सीरीज 7 जनवरी को Z5 पर रिलीज होगी। इनमें लारा दत्ता, सोहा अली खान, कृतिका कामरा, अन्या सिंह, रघुवीर यादव, वरुण ठाकुर और साइरस साहूकार जैसे सितारों को अहम किरदारों में देखा जाएगा। तो दूसरे नंबर पे है गहराइयां। स्क्रीन पर पहली बार लोग सिद्धांत चतुर्वेदी और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को साथ देखेंगे। फिल्म का निर्माण शकुन बत्रा ने किया है, जिसे आप 11 फरवरी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे है ये काली काली आंखें। मसान जैसे फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का परिचय देने वाली श्वेता त्रिपाठी इस साल ये काली काली आंखें सीरीज में नजर आएंगी। श्वेता त्रिपाठी की नई सीरीज 14 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। चौथे नंबर पे है ह्यूमंस। ये सीरीज रिलीज होने से पहले ही चर्चा में है। ह्यूमंस में शिफाली शाह और कृति कुल्हारी साथ नजर आएंगे। 14 जनवरी को ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दस्तक देगी। पांचवें नंबर पे है कपिल शर्मा। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक कपिल ओटीटी पर एक कॉमेडी सीरीज लाने जा रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद एक्टर ने पिछले साल किया था। जानकारी के मुताबिक यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। छठे नंबर पे आती है द एज ऑफ डार्कनेस। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार अजय देवगन वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस से डिजिटल स्पेस में कदम रखेंगे। यह सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी, हालांकि अभी इसकी रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है। सातवें नंबर पे है द कश्मीर फाइल्स। अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म द कश्मीर फाइल्स 26 जनवरी को रिलीज की जाएगी। फिल्म की कहानी कश्मीर मुद्दों पर आधारित है। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। वहीं आठवें नंबर पर है कैंपस डायरीज। कैंपस डायरीज 7 जनवरी को MX प्लेयर पर रिलीज हो रही है। ये सीरीज बचपन के प्यार से लेकर कॉलेज के रोमांस की कहानी पर आधारित है। ऐसे में अगर आप कॉलेज या स्कूल के दिनों को याद करना चाहते हैं तो ये वेब सीरीज आपको काफी पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप कौन से वेब सीरीज या फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।